तो इस तो अगे वधांगे लगातार जिहड़ियां खबरां ने उह सामने आ रहियां ने किसान लगातार मुश्किल दे विच ने, आड़ती मुश्किल दे विच ने, परेशानियां दा सामना करना पै रहा क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो रही। उधर मोगा मंडी दे विच कणक दे अंबार लग चुके ने, दस्सदे कि लिफ्टिंग इत्थे वी जिहड़ी आ उह नहीं हो रही, लिफ्टिंग दी समस्या इत्थे आ रही है और किसान लगातार परेशान ने, आड़ती लगातार परेशान ने। 7 लाख बोरियां जिहड़ियां ने उह खुले आसमान दे थल्ले पईयां होईयां ने, जिस करके परेशानी दा सामना जिहड़ा है उह करना पै रहा है। तां ग्राउंड जीरो दे उत्ते लिविंग इंडिया न्यूज़ वी पहुंचिया और मंडियां दे विच लिफ्टिंग दे प्रबंध भी जिहड़े ने उन्हां दा भी जायजा जिहड़ा हा लिया गया। पर इह तस्वीरां तुहानूं इस वेले दिखा रहे हैं जिथे कि 7 लाख बोरियां जिहड़ियां ने उह कणक दीआं इत्थे खुले आसमान दे थल्ले पईआं होईआं ने। हालांकि मौसम विभाग वल्लों दी वी लगातार अलर्ट जिहड़े ने उह जारी कीते जा रहे ने, आउण वाले समें दे विच मीह जिहड़ा है उह पै सकदा है, वी आसार जिहड़े ने मौसम विभाग दे वल्लों जताए गए सी। पर इत्थे खुले आसमान दे थल्ले तो साढ़े सहयोगी इस वेले लाइव साढ़े नाल बड़े हुए ने संगरूर तो हरजीत सिद्धू। हरजीत, की कुछ इत्थे तस्वीरां ने लिफ्टिंग करके लगातार क्योंकि किसान परेशान हो रहे ने? हरजीत, तुसीं आवाज़ सुन पा रहे हो? तो एक बार मुड़ तो संपर्क करने की कोशिश हरजीत दे नाल करांगे क्योंकि इस वेले वो लाइव बने हुए ने संगरूर दे विच और मंडियां दे हाल जिहड़े ने उहो देखण दी जानण दी कोशिश जिहड़ी आ उह लिविंग इंडिया न्यूज़ दे वल्लों कीती जा रही है, जिहड़ा ग्राउंड जीरो उस उत्ते पहुंच के, क्योंकि लगातार खबरां निकल के सामने आ रहियां ने। लगातार ही किसान जिहड़े ने उह शिकायत कर रहे ने कि लिफ्टिंग जिहड़ी आ उह नहीं हो रही हैगी, आड़ती परेशान हो रहे ने। खुले आसमान दे थल्ले कणक जिहड़ी आ उह पई होई है, चाहे उह खरीदी गई कणक है, चाहे उह जिहड़े किसान लै के बैठे होए ने उह कणक होवे। इस तों इलावा लिफ्टिंग दी समस्या तां वड्डी है ही, पर इस तों इलावा भी होर जिहड़ियां परेशानियां ने किसानां नूं सामने आ रहियां ने। हरजीत सिद्धू इक वार साडे नाल मुड़ तों जुड़े ने। हरजीत, की कुछ तस्वीरां इस वेले? हरजीत, मेरी आवाज थोड़ी तक पहुंच रही है? जेकर गल की जाए तो पंजाब दी ज्यादा जी इतने तकरीबन लिफ्टिंग नू लैके बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। उत्थे जेकर संगरूर दी अनाज मंडी दी गल की जाए तो संगरूर दी अनाज मंडी दे विच खड़े असीं, तुसीं तस्वीर देख सकते हो, तस्वीर कैमरामैन जरूर साझे किए जा। फिलहाल जो कणक दे अंबार ने गट्टे ने बोरियां पईयां ने, जिस दे उत्ते तुसीं देख सकते हो कि जो मजदूर ने बाहरों होरलियां स्टेटां तों इत्थे इस कणक दे सीजन मौके आउंदे ने, पर वह भी कितें ना कितें इन्हां बोरियां दे उत्ते सुते दिखाई दे रहे ने। बेशक नूं पंजाब सरकार दे वल्लों लगातार जो पुख्ता इंतजाम दीआं गल्लां कीतीआं जा रहीआं सी, सीजन होण शुरू होण तों पहलां आख्या जा रहा सी कि किसी किस्म की भी चाहे वह मजदूर है जां किसान आ उहनां नूं दिक्कतां दा सामना नहीं करना पवेगा। पर जो पंजाब दीआं तस्वीरां ने खासकर संगरूर दीआं कुछ होर ही तस्वीरां नज़र आउंदीआं ने, जिथे जेकर कणक की गल की जाए कणक के जो गट्टे ने उन्होंने अंबार दिखाई दे रहे हैं, क्यों करके लिफ्टिंग की जो गल की जाए तो लिफ्टिंग की जो रफ्तार आ कितना कितने सुस्त दिखाई दे रही है। उपरों जेकर मौसम की गल की जाए तो मौसम अपनी करपट लैंदा हुआ दिखाई दे रहा। संगरूर दे विच इस समय बदलवाई आ ते तेज हवावां चल रही, हो सकता कि आने वाले समय के इतने मीह भी पवे तो जो किसान या फिर जेकर मजदूरों की गल की जाए उन्हां दी मुश्किलां बढ़ सकदियां ने। बिल्कुल, जाहर तौर के उत्ते हरजीत मुश्किल जिहड़ियां ने वध सकदियां ने। इस तों पहलां भी मुश्किलों का सामना लगातार किसान ते आड़ती कर रहे हैं क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो रही। प्रबंधकों का की कहना है, सरकार का की कहना है कि लिफ्टिंग आखिरकार कदों तक शुरू होगी, हल की है? जी इहनूं बिल्कुल पिछले दिन भी जदों मार्केट कमेटी के अधिकारियों के नाल गल की गई तो उन्होंने आख्या सी कि किते ना किते जो मजदूर घट आ रहे हैं जिस कारण लिफ्टिंग, पर जो मजदूरों के नाल गल की गई तो उन्होंने आख्या कि गड्डियां घट आ रहे हैं, असीं तां तैयार बैठे हाँ। पर उत्थे जेकर मजदूर की गल की जाए तो मजदूर इत्थे तुसीं देख सकते हो मजदूरों नाल गल करन दी कोशिश करते हैं, उन्होंने पुछते हैं भी जो लिफ्टिंग नहीं हो रही वो कारण की है, असल कारण की है, की नाम है जी? निशिकांत जी। जो लिफ्टिंग नहीं हो रही गट्टे पड़े हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम आ रही? गड्डी नहीं आ रहा है उधर से, गड्डी ना तो अदर लोडिंग कैसे होगा जी, गड्डी भेजेगा तब तो लोड होगा। हाँ, 8 रोज से पड़ा है बोरी, 1 हफ्ते हो गया। हाँ, गाड़ी नहीं आता है।
बिल्कुल इन्होंने तो कहना कि एक हफ्ते तो इतने ऐसे तो नहीं क्योंकि गड्डिया नहीं आ रही जिस तरह मैं तो पहला आख्या कि संगरूर की गल की है भाई संगरूर कितना कि इसलिए भी अहम हो जाता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बिल्कुल जाहिर कर देते अरजीत क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान का खुद का शहर होवे और उत्थे इस तरीके के हाल बने होने जाहिर तौर उत्ते सवाल खड़े होंगे ने पर फिरोजपुर तो सनी चोपड़ा भी साढ़े बने हुए हैं सनी इतने फिरोजपुर के मंडी के लिए कुछ हालात ने क्योंकि लिफ्टिंग में लैके लगातार जिक्र हो रहा है मजदूर कहते हैं कि इतने गड्डिया नहीं आ रही जो गड्डिया वाले गल करो तो कहते मजदूर नहीं है सरकार कहती है मजदूर नहीं है आखिरकार पंगा है कितने आखिरकार क्यों लिफ्टिंग रुकी हुई है बिल्कुल अनु देखा जाए तो जे मंडिया की असी गल करते हैं मंडिया के हालातों की गल करते हैं तो लिफ्टिंग दे विच तेजी नहीं हैगी हालांकि प्रशासन ये कह रहा लिफ्टिंग हो रही है तो लिफ्टिंग मंडिया दे विच हो रही है पर लिफ्टिंग ना मात्र हो रही लिफ्टिंग दे विच तेजी लियाण दी लोड़ हैगी है तो फिरोजपुर शहर की मंडी दे विच खड़े आ तस्वीर तुहानू दिखाने आ पहले तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि जिधर भी असीं नजर मारांगे उधर जिहड़ा है बोरियां दे अंबार जिहड़े ने उह लगे हुए ने हालांकि लिफ्टिंग भी जिहड़ी है नालों नाल हो रही है पर लिफ्टिंग दी रफ्तार जिहड़ी है उह घट हैगी है बोरियां दे अंबार लगे है जिहदे करके लेबर जिहड़ी है परेशान हैगी है आरती परेशान है क्योंकि मौसम भी मैं दिखा देना चाहना कि मौसम भी इस वेले ठीक नहीं हैगा तां जिहदे करके आरती दी जिहड़ी परेशानी है उह वध जांदी हैगी है कि माल नूं किद्दां संभालिया जावे तां साडे नाल इत्थे मौजूद भी हैगे है लेबर भी इतने है तो किसान भी मौजूद ने गलबात करांगे कितनी कु वड्डी परेशानी इस टाइम बनी हुई है लिफ्टिंग का की हाल है मंडी का इस टाइम की हाल है लिफ्टिंग का जी जी गल 15 तरीक की मंडी शुरू हुई जी एक गड्डी मिली उदो मुड़ के कोई गड्डी नहीं मिली तरपाला पाई बैठे अगो घाट मंगते ने कोई गल नहीं बात नहीं लिफ्टिंग बहुत घट हो रही जी बड़ा परेशान परेशानी बहुत ज्यादा है प्रशासन कह रहे हैं लिफ्टिंग हो रही है पर तुसी कह रहे इतने बोरियां के अंबार जिहड़े आ उह लगे हुए है साढ़े एक गड्डी भरीसी जी 4000 बोरी एको गड्डी भरीसी उदो मुड़ के कोई नहीं भरीसी जिंदा दा लगता लाई जाता कोई नहीं पुछता किसी नूं बस से लैन देन के करके चली जाता बस जी सिफारशा कर रहे एक दूजे दीआं बस कोई नहीं कोई किसी दी सुणदे गल जी इंस्पैक्टर नूं असीं कहा वी घाट असीं नहीं देणे उहदा घाट दा तुहाडे डंडा मुंड च डंडा दे के लै लांगे बिल्कुल देखिया जावे तां जिहड़ी है लिफ्टिंग दी जिहड़ी है उह घाट है लिफ्टिंग दे विच तेजी जिहड़ी है उह नहीं हैगी इह जिहड़ा इहनां दा कहना हैगा तां बोरियां दे अंबार जिहड़े ने उह लगे होए आ तस्वीर तुसीं देख सकदे हो तां लिफ्टिंग प्रशासन दे वल्लों कोशिशां जारी हैगियां ने प्रशासन दा कहना कि लगातार कोशिश जिहड़ी आ उह कीती जा रही लिफ्टिंग दे विच होर तेजी लियांदी जावे तां खरीद जिहड़ी आ उह कीती जा रही हैगी आ लिफ्टिंग जिहड़ी है रफ्तार जी ढिली है लिफ्टिंग की जेकर गल की जाए पर मौसम भी तुसी दिखाया कि मौसम भी इस तरीके वेले जड़ा है इस तरीके का कि मीह जड़ा है कदे भी पै सकता आने वाले समय के और खुले आसमान के थले बोरियां पईयां होईयां ने कणक दीआं तां इन्हां नूं लैके की प्रबंध ने इन्हां नूं किस तरीके दे नाल मीह तों बचाया जाए उसके लिए की प्रबंध ने बिल्कुल अनु देखा जाए तो तरपैला जिहड़ियां ने उह पईयां होईयां है पर खुले आसमान के थले जिहड़ी है काफी वड्डी गिणती दे विच बोरियां जिहड़ियां ने उह पईयां होईयां है क्योंकि बदल जड़े ने छाए हुए हैं तेज हवावां इस टाइम जड़ियां ने चल रही है तो मंडी के जे गल करिए जी बोरियां जड़ियां ने पईयां हुई हैं तरपैला हालांकि पईयां हुई ने पर बोरियां के जड़े अंबार लगे हुए ने यह जी चिंता का कारण जड़े आ बने हुए ने तो हूँ प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा कि लिफ्टिंग के जी तेजी लिया जाए क्योंकि काफ़ी मंडिया कल भी अनु जे असी गल करिए कल भी जड़ा आरतियां के वलों लेबर के वलों धरना लगाया गया तो जाम लगाया गया उन्होंने यही कहना है कि लिफ्टिंग के तेजी लिया जाए क्योंकि उन्होंने कहना कि चोरी भी होंगी है रात को गट्टे जड़े आ चोरी करके लै जाते हैं जिनकी भरपाई जी सू करनी पड़ती है लेबर का यह कहना है कि जल्द तो जल्द जी लिफ्टिंग होनी चाहिए लेबर जी है साढ़े ना मौजूद है किन्नी कु दिक्कत हैगी है किन्नी कु निगरानी करनी पै रही है दिक्कत बड़ी है जी रात को करना पता तड़के उदन गट्टे ला के 8 बजे उस रात को दो गट्टे आए दो मुंडे किड़े बिल्कुल जो चोरी का जरा अनु बनिया रहा है चाहे कोई भी मंडी हो उत्थे जो चोरी का खसा बनिया रहा है कई थावां ते चोरियां हुई भी है जिन्होंने लैके जो लेबर जो परेशान हैगी है तो लिफ्टिंग के तेजी की जी गल कर रही हैगी है बिल्कुल बिल्कुल साढ़े नाल मोगा तो गुरदेव पांबी इस वेले लाइव बने हुए हैं गुरदेव इत्थे की कुछ तस्वीरां ने मोगा दे विच इत्थे के हालात बने हुए हैं क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है पर कणकां जिहड़ियां ने बोरियां जिहड़ियां ने खुले आसमान थले पईयां ने इस वेले लिफ्टिंग भी नहीं हो रही है
बिल्कुल जी गल की जाए तो जी लख हजार टन की कणक खुले आसमान थले पई है मौका की मंडी देख रहे दूर दूर जो निगाह जाएगी थोड़ी उस जगह तक जरा कि लिफ्टिंग का बिल्कुल रुकी हुई है खास तौर पर लेबर आ लेबर भी इतना जा चुके ठेकेदार तो काफ़ी दिक्कत आ रही है वो देखते हुए देखा जाए तस्वीर तुम देख सकते हो सीधी तस्वीर ये लिफ्टिंग लेके काफ़ी दिक्कत आ रही है कुछ किसान वीर भी इतने जुड़े हुए गलबात भी करें उन्होंने इस बारे की कहना कि दिक्कत आँदी है कितों आए हैं फिर जी की नाम थोड़ा जी सारे पास उधरों कणक लैणा हो रही है सानू पता ओ दा असीं बिलकुल भी लिफ्टिंग की समस्या जी जरूर पेश आ रही है। हरजीत सिद्धू संगरूर तो साडे नाल लगातार बने हुए ने। हरजीत मौसम की गल तुसीं कर रहे सीगे इत्थे तरपाला भी क्योंकि कहा जा रहा है तरपाला दे नाल टकन की कोशिश भी जी की जा रही है कणकां नूं मीह दे मौसम नूं देखते हुए इत्थे की तरपाला उस तरीके दीआं हैगीआं ने उस तरीके दे नाल ताकि कणकां नूं जिहड़ा टकिया जा सके मीह तों बचाया जा सके। बिलकुल कैमरे अगे आने तो जरूर मना जो किया गया है आरतीयों के प्रधान के वालों की पर तस्वीर जो लगातार पर थोड़ा दिखा रहे हैं सनी चोपड़ा साढ़े नाल बने हुए हैं। सनी जो तस्वीर तुम दिखा रहे थे जो अं देख पा रहे जो तुम कैमरा घुमाया तो तुम कहते तरपाला जीडिया ने मौजूद ने पर कई इस तरीके दिया बोरिया ने कई थावान के उत्ते पाइया ने जिन्हों के उत्ते तरपाला नहीं है इंतजाम उ किस तरीके ने बिल्कुल देखा जाए तो जिहड़ियां आ बोरियां पईयां होईयां ने साडे पिछे तरपैल पई है पर तरपैल तुहानूं दिखा देना चाहुंदे किन्नी कु वधिया तरपैल है कि इन्नी लंबी तरपैल जिहड़ी है उह नहीं हैगी उसदे उह वी जिहड़ी है ठीक नहीं हैगी तां तस्वीर तुसीं देख सकदे हो कि बोरियां दे अंबार जिहड़े आ उह काफ़ी ज़्यादा जिहड़े आ उह लगे हुए ने पर तरपैलां वी जिहड़ियां ने उह फटियां होईयां ने तां तुसीं देख सकदे हैगे हो इह जिहड़े आ हालात हैगे ने कि पुख्ता प्रबंध जिहड़े ने वो होने चाहिए हालांकि प्रशासन के वल्लों कहा जाता है कि पुख्ता प्रबंध जिहड़े ऐसे किए गए हुण जिदा तरपैल जिहड़ी आ पाटी है जे इत्थे तेज बरसात हो जाए तो बोरियां तो फिर भी जिहड़ियां वो भिजणगियां तो इस करके जिहड़ी लेबर है या जिहड़े आड़ती हैगे आ जां किसान हैगे आ उन्हां दा कहना कि लिफ्टिंग दे विच होर तेजी लैके आनी चाहीदी हैगी आ लिफ्टिंग हो रही है पर लिफ्टिंग दे विच होर तेजी लैके आण जिहड़े ट्रक है वो होर होण तां जल्द तो जल्द जिहड़ियां बोरियां ने वो चुकाईयां जा सकण हालांकि प्रशासन वास्ते पहले जिहड़ी है दिक्कत इस चीज़ की बनी हुई सीगी जिसके करके जिहड़ी है थोड़ी देरी हुई है तां हुण भी जिहड़ी लेबर है वो कह रही हैगी है या आड़ती हैगे वो कह रहे हैगे कि लिफ्टिंग दे विच जिहड़ा मंडियां दी बिल्कुल जाहिर तौर उत्ते लिफ्टिंग दे विच तेजी लियाउण दी तां गल जिहड़ी है सनी कीती जा रही है पर इत्थे जिक्र इह भी हो रिहा सीगा कि किसानां दीआं फसलां जिहड़ियां नूं खराब जरूर होईआं सी जदों मौसम खराब होया सी बरसात जिहड़ी है बेमौसमी हो रही सीगी पर फिर भी कणक दी जिहड़ी आमद है मंडियां दे विच बहुत हद तक हैगी है वधिया तरीके दे नाल जिहड़ी आ रही है नमी भी जिहड़ी आ उह ठीक पाई जा रही है पर हुण जे मीह पैंदा है तां आसे पासे तों वी मीह जिहड़ा है इहनां बोरियां दे थल्ले जावेगा जिहड़ी कणक है उह भिज्जेगी और इक वार मुड़ तों जिहड़ी आ उह कणक जिहड़ी आ उह खराब हो सकदी है उस तरीके दे नाल नमी उहदे च वध जिहड़ी हो सकती है पर उन्होंने लेके तैयारियां नहीं तो प्रशासन के नाल जी तुम गलबात की कर सकते हो कोई प्रबंधक इतने हो जिन्हें गलबात कर सको कि की कुछ की उपराले हुण कीते जा रहे हैं इस लिए बिल्कुल अनु असीं इस टाइम मंडी के खड़े हुए हैं तो मंडी के जे गल करिए साडे नाल लेबर जी है वह मौजूद हैगी है लेबर जी है वह खड़ी हुई है तो जदों जी दिक्कत की जो असी गल करिए गल करांगे असीं ऐसम खुले आसमान के थले जी कणक पई हुई है जे बरसात आ जाती है तो इस दे लई कोई प्रबंध इत्थे हैगे ने ना जी नहीं है प्रबंध कोई तर पहला तो इत्थे पईयां होईयां जिहड़ी नजर आ रही है वो भी पाटियां होईयां नजर पाटियां होईयां तर पाटियां जा रहीयां तर पहला वो भी जाने की काम नहीं नेरी आई उड जानी है तर पहला जा रही पाटियां मीन अकीट खींचेगा फिर बाग उत्ते टकना पैंदा फिर उठ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੇਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਭਿੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।